गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आई एम वरीड अबाउट योर स्टडी. सम स्टूडेंट इज वेरी लेजी, नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली. सम स्टूडेंट इज नॉट सेंडिंग वर्क ऑन टाइम. दोज स्टूडेंट नॉट सेंडिंग वर्क, I will take action and I am going to send your attendance list to principal and I will deduct your 5 marks from your quarterly exam. So student, please maintain discipline about your study, okay? And you try to do your work on time. But some students sending 5 p.m., 6 p.m. at late night they are sending. So please maintain discipline, students. So let's start our chapter. Today I will teach you Hindi व्याकरण. Today I will teach you chapter 5 संज्ञा, noun. आज मैं आप लोगों को noun पढ़ाऊंगी, संज्ञा पढ़ाऊंगी. संज्ञा क्या है? तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं. तो देखिए आप लोग, एक पिक्चर है, तो इसमें चिड़ियाघर का पिक्चर है ये, ठीक है? चिड़ियाघर का फोटो दिया हुआ है. तो यहाँ देखिए, जो जो रंगीन लेटर हैं लिखे हुए, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे कि ये कलरफुल क्यों लिखा गया, रेड से क्यों लिखा गया है. तो गर्मी के दिन थे, एक दिन राघव और रीमा अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गए. उन्होंने भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ आदि देखे. जब वे बंदरों के पिंजरे के पास पहुँचे, तब बंदर मूँगफली खा रहे थे. रीमा ने बंदरों को केले दिए. थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पार्क में बैठ कर खाना खाया. सभी के चेहरों पर खुशी थी. तो देखिए, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नाम हैं, ठीक है? ये सारे नाम हैं, इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है. यानी कि नाम संज्ञा है. नाम अनेक प्रकार के होते हैं. ऊपर दिए गए वाक्यों में निम्नलिखित शब्द नाम हैं. देखिए, ये सारा नाम है ना, तो ये सारे जितने हैं कलरफुल वर्ड जितने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे संज्ञा हैं. तो देखिए, प्राणियों के नाम क्या क्या होते हैं? राघव, रीमा, माता पिता, भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ, ये सारा यहाँ इंक्लूड है. वस्तुओं के नाम भी है, स्थानों के नाम भी है, भाव के नाम भी है. तो गर्मी है, खुशी है, ठीक है? तो देखिए आप, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा. तो देखिए, संज्ञा के जो 3 भेद हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे ये आप लोग जानेंगे. दिल्ली भारत की राजधानी है. यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं. राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी यहीं रहते हैं. तो देखिए, ये जितने भी रंगीन छपे शब्द हैं, किसी विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम हैं. ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है. ये किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम, आपको लग रहा है दिल्ली तो विशेष है ही, जंतर मंतर भी विशेष है, कुतुब मीनार, जिसे कि हम लोग यहाँ स्पेशल घूमने जाते हैं हम लोग ना, राष्ट्रपति भवन भी है विशेष, पुराना किला और श्री रामनाथ कोविंद भी विशेष ही हैं. ये हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अगर आप लोगों को कहा जाए कि डेफिनेशन आपको लिखना है, तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से और आंसर ये रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं का आंसर यहाँ है. कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, देशों के नाम,
ये सारे क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। देशों के नाम, नदियों के नाम, त्योहारों के नाम, खेलों के नाम, इमारतों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिनों व महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। अगर आप लोगों को बोला जाए तो आप लोग इतना दिमाग में रखेंगे आप लोग कि जहाँ देश का नाम है तो ये समझ जाएंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है, सॉरी जातिवाचक है या भाववाचक है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि देशों के नाम है इसका मतलब व्यक्तिवाचक है, नदियों के नाम है तो इसका मतलब है कि व्यक्तिवाचक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब आइए देखिए जातिवाचक किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा वो है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, यह हमारा विद्यालय है, यहाँ पर बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने कलरफुल लेटर लिखे हुए हैं ना, तो देखिए ध्यान से आप उनको कि शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। उपयुक्त अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद है छोटा सा विद्यालय के बारे में। तो इसमें क्या है, किसी वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, है ना, बल्कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा का कहा जाता है। विद्यालय हो गया, छात्र हो गया, मैदानों तथा पेड़ पौधों आदि के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया है। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं भी हैं, फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, मोर, माता पिता आदि। ये जो है, ये सारे के सारे भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, तो बचपन में सभी शरारतें करते हैं, माँ अपने शरारती बच्चों से स्नेह करती हैं, वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती हैं, जैसे बुराई न करना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, सॉरी स्टूडेंट्स, सी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये आप लोग जानेंगे। तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जिससे किसी का भाव समझ में आता हो, देखिए इसे बचपन में सभी शरारतें करते हैं, तो ये भाव समझ में आ रहा ना कि शरारत क्या है, शरारत क्या है, बदमाशी है, तो ये भाव समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए कलरफुल दिया हुआ है, बुराई, मेहनत, भलाई, तो ये भी भाव है। ठीक है, तो इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई शब्द किसी भाव या गुण के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूलों की सुगंध मन को छू लेती है, फूलों की खुशबू हम लोगों को मन को छू लेती है ना, वो हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं ना, केवल अनुभव कर सकते हैं कि खुशबू आ रही है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मान लो कि आप लोगों को दिया गया है कि फूलों की सुगंध मन को छू लेती है, इसमें भाववाचक संज्ञा अलग करना होगा, तो आप लोग कैसे अलग करेंगे, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे सुगंध यानी कि ये फूल की विशेषता को बता रहा है, तो ये
कि फूल कैसा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। रसगुल्ले की मिठास सभी को भाती है, तो रसगुल्ला कैसा है, मीठा है, है ना, तो मिठास, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। तो देखिए कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं भी है नीचे, बुढ़ापा, खुशी, गुस्सा, ईमानदारी आदि, ठीक है। तो ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसको आप लोग अच्छे से रीड करोगे तब समझ में आप लोगों को आएगा। 2 and 3 times आप लोग अच्छे से रीड करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और कोई भी चैप्टर जब पढ़ने वाले होते हो क्लास में, तो अगर मान लीजिए चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है मैम के द्वारा पढ़ाया हुआ जो, तो आप चैप्टर 5 का रीड कर लिया करो, ताकि अगर मैं कुछ पढ़ाती हूँ तो इसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, तो अच्छे से आप लोगों को लगेगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है।